देश में बन रहे सूखे के हालात, आइए जानते हैं कहां और कितना होगा असर। दरअसल यूपी से लेकर बंगाल तक इन दिनों सूखे जैसे हालात है। नदी नाले सूख रहे हैं, नहरों और रजवाहों में पानी की कमी है, किसानों की टूटती उम्मीदों का आसरा है बारिश, जो अमूमन इस महीने जोरों से होती थी, लेकिन इस साल बारिश यहाँ बहुत कम हुई। सीधे सीधे समझे तो बारिश कम हुई तो खेती पर असर होगा, उपज कम हुई तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई का सीधा ताल्लुक होगा आपकी जेब से, यानी आपके जीवन से। वहीं यूपी सरकार ने सूखे के सर्वे के लिए 75 जिलों में 75 टीमें बनाने की घोषणा कर दी है। सरकार ने मान लिया है कि 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जून से 19 अगस्त के बीच यूपी में सामान्य के मुकाबले 48% बारिश हुई है और कुछ जिलों में तो हालात और भी खराब है। दरअसल डीजल पंप से सिंचाई करना किसानों को महंगा पड़ता है, इसलिए अधिकतर किसान केवल बारिश के ही भरोसे होते हैं। इस बीच यूपी सरकार ने सिंचाई विभाग में नहरों में पानी भराने को कहा है, बिजली विभाग से ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए भी कहा गया है और ट्यूबवेल से बिलों की वसूली रोकने को भी कह दिया गया है। इसी के साथ सरकार ने फसलों के भंडारण को लेकर भी काम शुरू कर दिया है। वही बात बिहार की करें तो वहाँ भी हालत कोई सुधरते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। रिपोर्ट बताती है कि बिहार में भी सूखे की ही स्थिति है। 30 अगस्त 2022 तक राज्य में 471 मिलीमीटर बारिश हुई, ये सामान्य से काफी कम है। बिहार के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि राज्य में कुल वर्क फोर्स का 70% हिस्सा खेती के कामों से जुड़ा है। बारिश की कमी, बिजली की कमी और खाद की कमी से जूझते किसानों के लिए सरकार ने बिजली सप्लाई के घंटे बढ़ा दिए हैं और डीजल के दाम भी किसानों के लिए घटा दिए हैं। संकट जानवरों के चारे का भी है, ऐसा हुआ तो राज्य में दूध की कमी भी हो सकती है। ऑफिशियली तौर पर यूपी की तरह ही बिहार सरकार ने भी इन हालातों को सूखे का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन इस संभावित खतरे से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर झारखंड और बंगाल का हाल भी यूपी बिहार से जुदा नहीं है। राज्य के 112 प्रखंड सूखे की चपेट में है। 15 अगस्त तक राज्य भर में 38% बुआई हुई, कई इलाकों में तो धान की बुआई 15% से भी कम हुई। झारखंड सरकार ने भी हालात से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्वी यूपी हो, बिहार हो या फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन इलाकों को धान की उपज के लिए जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश की कमी के कारण बुआई का इलाका कम होता जा रहा है और सूखे के हालात विकट होते जा रहे हैं। सूखा केवल भारत को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि यूरोप और अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त सूखे से जूझ रहा है। चीन में भी यही हालात बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी इस पर चिंता जताई गई है। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का पैटर्न साफ देखने को मिल रहा है, वहीं मॉनसून का ये बदला हुआ पैटर्न भारत के किसानों पर कहर बनकर टूट रहा है। 2010-11 से लेकर 2021-22 तक देश के कई राज्यों में कई इलाकों में सूखे की स्थिति बनी है। भारतीय कृषि मंत्रालय ने अपने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान में इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही भारत सरकार ने पहले ही गेहूं, फिर चावल, चीनी, मैदा, सूजी सभी के निर्यात पर सरकार रोक लगा चुकी है, अपने गोदामों की स्थितियां चेक कर चुकी है और किसी भी तरह के हालात से निपटने के दावे भी कर चुकी है। लेकिन सरकारी वादे, सरकारी दावे कितने सही साबित होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो सूखा प्रभावित इलाकों में किसान परेशान हैं और मजदूर शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।